हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हिज एंड हर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, एंड नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे क्या रहने वाला है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद कुछ साइंस भी बताऊँगी। हमारा फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारे ही साइंस आ गए हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो सारे ही साइंस हैं। द मैजिशियन आ गया है, तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए होने वाली है। नाइट ऑफ वैंड्स, एंड जस्टिस। व्यूअर्स, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना हो। जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लें। हमारा नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्स। व्यूअर्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त हैंग हैं। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, दिल में दिमाग में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक एक करके सारी ये चीज़ें याद आ रही हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रहे हैं और जाने अनजाने आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सुबह शाम हर वक्त उनके जहन में आप हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ही बातों को सोच सोच कर कभी मुस्कुराते हैं तो कभी सैड हो जाते हैं। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स है, एक्शन का कार्ड है, एक्शंस को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बट खुद को रोक रहे हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, तो वो स्लो एनर्जी में है अभी। वो उनको पूरी तरह से सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई हैं कि कहाँ क्या कब कैसे हुआ, वो सारी ही चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है अब वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में हार्मनी लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी सारी ही चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो खुश वो भी नहीं है, उनका भी दिल टूटा है। यहाँ थ्री ऑफ सोर्स है हमारे पास, जो बता रहा है कि बहुत बुरी तरह से एक इंसान है जो दुखी है, परेशान है। वो आपको दुखी करके, परेशान करके या आपका दिल तोड़ के खुद भी खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि उनकी लाइफ में अगर कोई अदर पर्सन था तो उसने भी उनका बुरी तरह से दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से उनको आपकी कदर आ रही है धीरे धीरे। अब वो समझ रहे हैं कि जब उन्होंने आपका दिल तोड़ा था तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी या आपके दिल पर क्या बीती होगी, वो सारी ही चीज़ों को सोचकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। बट यहाँ पर एक्शंस थोड़े स्लो हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में वो आपके पास आएं, आपसे बात करें और इस रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में डिस्कस करें आपसे इस बारे में। तो यहाँ जस्टिस का कार्ड है हमारे पास, तो जस्टिस होगा इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लगता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हैं।